सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आज हमारे चैनल पर आप देखेंगे एक यंगस्टर लड़की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके थॉट्स क्या हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या उनके बारे में जानती हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खास तौर से महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए और पुअर सेक्शन के लिए किस तरीके से काम किए हैं। तो आपका वेलकम है अंकिता सिंह जी हमारे स्टूडियो में, धन्यवाद। और हम आपसे बात करेंगे, पूछेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, क्योंकि हमारे चैनल पे हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को लाने का काम कर रहे हैं जी। तो आप बताइए, आपका क्या कहना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुना होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा जानती होंगी जी जी, तो आप उस पर थोड़ा डालिए प्रकाश। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक ऐसे महान शख्सियत थे जो शायद जो पिछड़ापन ही जो कहते हैं उसको वो ऊपर लाना चाहते थे। वो लोग जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो आगे लाना चाहते थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अभी हमारे भारत में छुआछूत धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और इसको अभी भी फॉलो करते हैं, तो इस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को आगे लाने के लिए। लेकिन उन्होंने वो रुके नहीं, वो आगे लाए, वो कभी भी हारे नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन लोग से, उन शख्सियत से, आप उनके विचारों से आप सीख लीजिए और आप उनकी तरह कभी मत रुकिए और हमेशा आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दूसरा मेरा सवाल है कि आपने तो हमारे शास्त्रों को पढ़ा ही होगा, और बिल्कुल आपने भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा है, और आपने सुना भी होगा जी। जैसे कि रामायण, जो राम के टाइम का जो काल है, जो समय है जी। उस टाइम जो सीता को जो रावण उठा के ले गए, जब वहां से युद्ध करके वापस लाए, तो उनको भी एक चरित्र, जो एक किसी भी फीमेल का एक मर्यादा होती है, उसके लिए उसकी भी परीक्षा ली गई सीता से। और वैसे ही फिर महाभारत में भी आपने सुना होगा कि उसको द्रौपदी को उसमें जुए में हार जाते हैं, फिर उसका चीरहरण होता है। या आपने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि एक नदी के किनारे में लड़के नहा रहे हैं, तालाब में नदी के किनारे में, तो वहां पर वो उनके कपड़े उठा के लेके बैठ जाते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप अंबेडकर जी को और उस जमाने के उन शास्त्रों को, उस जमाने के चीजों को आप किस तरह से देखती हैं? अगर मैं अपने हिसाब से बात रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो समय उन्होंने किया था वो तो सरासर गलत था। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि अगर कोई स्त्री बाहर जाती है या फिर आज के समय में किसी लड़की का किडनैप होता है और उसको घर पे दोबारा लाया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये तो सोच बहुत गलत थी मेरे हिसाब से। आए मतलब मुझे नहीं पता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो इक्वलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको राइट्स दिए हैं, लीगल राइट्स दिए हैं, तो किस तरह से आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छी बात है उन्होंने सोचा इस बारे में, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं, और जो सोचते हैं सच में वो महान होते हैं, वो महान हैं और हमेशा रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है जो ऐसी सोच को रखता है वो महान। मेरा तीसरा सवाल और है, मनुस्मृति आपने सुना है कभी? मनुस्मृति, मनु भगवान मनुस्मृति, ज्यादा क्लियर नहीं इस बात। मनुस्मृति एक उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें मनुस्मृति में भी नारी और जो शूद्र हैं, जो जिनको आज की डेट में बैकवर्ड SC ST बैकवर्ड OBC कहते हैं, तो उस टाइम उनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। ऐसे ऐसे नियम है मनुस्मृति के अंदर कि अगर शूद्र पढ़ेगा तो उसके कान में सीसा पिघला डाल दिया जाए, या फीमेल है तो वो पशु के समान है, इस तरह के मनुस्मृति में लिखा गया है, जिसको अगर बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस तरह के राइट्स इन लोगों को, इस ऐसे समाज को नहीं देते, तो उनकी हालत आज क्या होती, किस स्थिति में होती? साफ सी बात है, आज भी देख सकते हो आप कि SC ST की हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, और OBC को भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि रिजर्वेशन अगर थोड़ा मिला है तो उनको थोड़ा फायदा हुआ है। लेकिन आज भी जनरल वाले हमेशा ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन क्यों भाई, वो इसलिए रिजर्वेशन है क्योंकि उस हालत में जिस तरह थे, जब पांडे ने दिया जाता था उनके कान में तेल डाल दिया जाता था, गर्म तेल, वो एक असहनीय पीड़ा थी। तो शायद वो जनरल वाले जो हैं लोग जो आज धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं, वो इस बात से अभी तक अनजान है, इसीलिए वो आज भी लड़ते रहते हैं उन लोगों से जो आगे। सही मायने में कहा जाए तो जो इस तरह के लोग जो विरोध करते हैं, जो फीमेल की आजादी या पुअर सेक्शन की आजादी, उन्होंने सही मायने में देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं।
बिल्कुल सही तो आज विदा लेते हैं इसी एपिसोड के साथ। अंकिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप हमारे अम्बेडकर यूट्यूब चैनल पे इस एपिसोड को देख सकते हैं और मैक्सिमम शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।